फ्रेंड्स, ये वीडियो इंटर एफएम स्टूडेंट्स के लिए है, सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने मेरे से क्लास लिए उनके लिए है, या जिन्होंने मेरे से क्लास नहीं ली वो भी इस वीडियो में पार्ट ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक मेजर डाउट है, इसमें दो क्वेश्चन हम लोग को सामने आ रहा है। वो कौन कौन से दो क्वेश्चन है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम चैप्टर करते हैं और कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं और कॉस्ट ऑफ जब हम रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में हम लोग करेंट मार्केट प्राइस यूज़ करते हैं उसके कॉस्ट को निकालने के लिए। तो ये हमारे मेटेरियल का क्वेश्चन नंबर 3A है और मैं इसको कंपेरिजन करूँगा क्वेश्चन नंबर 3B के साथ। इस दोनों क्वेश्चन का मैं PDF फॉर्म में गूगल ड्राइव में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। जस्ट मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद आप फिर से इसको देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर्स आर कोटेड इन पास्ट, इन पास्ट, ठीक है, मतलब पास्ट में, पास्ट मतलब पुरानी बात है, 130 रुपए में इक्विटी शेयर कोट किया गया था। तो जब हमने यहां पर रिटेन अर्निंग का कॉस्ट निकाला तो हमने 130 रुपये नहीं लिया, हमने क्या लिया, 125 रुपये। आप देख सकते हैं डिवाइडेड बाय क्या है, 125 रुपये, क्योंकि इशू प्राइस जो है 125 रुपये में हो रहा है और हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो जिस प्राइस में इशू हो रहा है वही मेरी करेंट मार्केट प्राइस है। क्योंकि पास्ट की बातें तो हम करेंगे नहीं, कंपनी की प्राइस अभी 125 रुपये होगी और उसी प्राइस में कंपनी इसका मतलब शेयर इशू कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 125 रुपये हो रहा है, 130 रुपये को हमने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर जब हम क्वेश्चन 3B में आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इक्विटी शेयर्स आर कोटेड एट 130, मतलब यहाँ पर पास्ट की बातें नहीं की गई है, यहाँ पर बोला है अब करंट मार्केट प्राइस क्या है 130 है, लेकिन इशू हमने 125 में किया, लेकिन करंट मार्केट प्राइस क्या है, अभी कितने में चल रहा है, अभी आर कोटेड एट, यहाँ पर पास्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जब हमने रिटेन अर्निंग का कॉस्ट लिया, तो हमने यहाँ पर 130 लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जब रिटेन अर्निंग का कॉस्ट ले रहे हैं तो हम 130 ले रहे हैं। तो आप ये एक वर्ड, जब पास्ट वर्ड से हमारा पूरा सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं तो ये दो क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आप देखेंगे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आई होप द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, वीडियोज़ है, अमेंडमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको देता रहूँगा। और एक बात बता दूँ, रिविजनरी वीडियो ऑलरेडी FM का और ECO का दोनों का हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा उस चैनल का, रिविजनरी वीडियोस का मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूं। थैंक यू सो मच।